नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। 1984 के दिल्ली कैंट दंगा केस में कड़कड़डूमा कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगे के दौरान दिल्ली कैंट इलाके में 5 लोगों की हत्या हुई थी। बीजेपी ने मांग की है कि सिख दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT बनाई जाए। 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत से मिल गई है बड़ी राहत। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट में हुए हत्याकांड के मामले में बरी कर दिया है। एक संवेदनशील मामले पर फैसला आते ही दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत के परिसर में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा तगड़ी थी, इसलिए काफी कुछ काबू में रहा। अदालत ने इस मामले में जैसे ही अपना फैसला सुनाया, पीड़ित परिवार का एक शख्स अदालत में ही अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने लगा। वो लगातार अदालत में हंगामा कर रहा था। पहले कोशिश की कि सज्जन कुमार के ऊपर हमला किया जाए, और जब सज्जन कुमार के ऊपर हमला मुमकिन नहीं हुआ तो उसने जज की तरफ अपना जूता उछाल दिया। जैसे ही ये घटना घटी तो कोर्ट रूम में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उस शख्स को कोर्ट रूम से बाहर कर दिया। दिल्ली कैंट दंगा केस में कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया है, जबकि 5 अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामला दिल्ली कैंट में 5 सिखों की हत्या का है और फैसले से पीड़ित परिवार नाखुश दिखे। 29 साल हो गए, कितने साल और चिल्लाएंगे रोएंगे हम? 29 साल क्या थोड़ी जगह होती है? अगर कोई और इनके खिलाफ कोई काम हो जाए 29 दिन में फैसले देते हैं। एविडेंस जो था वो सज्जन कुमार के खिलाफ ज्यादा था। अगर ज्यादा नहीं था तो कम से कम सबके ऊपर बराबर था, उसको कैसे बरी कर दिया अदालत में? हम डेफिनेटली हाई कोर्ट भी जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम उनको सजा दिला के रहेंगे। 1984 के सिख दंगे में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अलग अलग इलाकों में घूमकर लोगों को उकसाया था। सज्जन पर केस नानावटी आयोग के सिफारिश पर चलाया गया। ये मामला दिल्ली कैंट के पास बसे राजनगर का है, जहां पर 1 और 2 नवंबर 1984 को 5 लोगों का कत्ल कर दिया गया था। जिन 5 लोगों की हत्या की गई थी उनका नाम था कहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह। यहीं पे इसके आसपास ये कत्लेआम हुआ था। 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि उन्होंने सज्जन कुमार को इस इलाके में देखा था, भड़काऊ भाषण देते हुए, लोगों को उकसाते हुए देखा था, और उन्हीं के गवाही के आधार पर जो है केस चल रहा था। लेकिन आज दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। इस केस की अब तक चली सुनवाई में 3 चश्मदीद गवाहों ने सज्जन कुमार की शिनाख्त की थी। 1 फरवरी 2010 को CBI ने चार्जशीट दायर की थी और इस मामले में 6 पुलिस अफसरों ने सज्जन के पक्ष में गवाही दी थी। 1984 में दिल्ली कैंट में हुए दंगों के मुख्य आरोपी सज्जन कुमार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी सज्जन कुमार मीडिया से बचते फिर रहे हैं। इस समय मैं खड़ी हूं उनके ताल कटोरा रोड में, 9 नंबर जो उनका आवास है वहां पर मैं खड़ी हूं, उसके पिछले गेट पर मैं खड़ी हूं, जहां पर जो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके काफी देर बाद, कुछ घंटों बाद वो यहां पर अपने घर में आए थे। और लेकिन मीडिया से छुपते हुए वो पिछले गेट की तरफ से उन्होंने एंट्री ली थी, और काफी थोड़ा आधा घंटा या 45 मिनट रुकने के बाद वो अपने आगे वाले गेट से बाहर निकल गए। लेकिन ये समझ में नहीं आता, ये कारण समझ में नहीं आता कि सज्जन कुमार मीडिया से क्यों बचते फिर रहे हैं, जबकि कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनको आरोपों से बरी कर दिया है। हालांकि सज्जन कुमार के खिलाफ अभी भी दिल्ली के सुल्तानपुरी में हुए हत्याकांड का एक मामला लंबित है, लेकिन उस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है और हाई कोर्ट में उस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि गुजरात की ही तरह इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए SIT का गठन होना चाहिए। लोअर कोर्ट ने किया, हायर कोर्ट में अपील होगी, इसलिए अभी भी इंसाफ की उम्मीद बची हुई है। लेकिन हम इसमें जरूर ये चाहेंगे कि जिस तरह गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT का गठन किया था, तो 2 दंगों में अलग अलग वो क्यों? अगर यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT का गठन करे तो इंसाफ ज्यादा मिल सकता है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल ने फैसले पर अफसोस जताया है। बादल ने कहा है कि इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। एक हमें बड़ा दुख है, गहरा दुख है कि जिसने हिंदुस्तान में 84 राइट में सबसे ज्यादा हिस्सा लिए उसको वो क्विट हो गए।
और उसके साथ वाले सारे सजा हो गए, लेकिन एक आदमी उसको छोड़ दिया। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि 84 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा। बता दें आपको, किसी भी तरह से जो कोर्ट का फैसला है ये सवाल उस पर खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन जो गुस्सा दंगा पीड़ितों के मन में है, उन्हें आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, इसी को ध्यान में रखकर आज की ये चर्चा रखी गई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अकाली दल के नेता दलजीत चीमा जी, साथ ही इस चर्चा में सज्जन कुमार के वकील अनिल शर्मा जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता जी और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी दलजीत चीमा साहब, आप कोर्ट के इस फैसले से खुश क्यों नहीं है, जबकि सभी साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे गए हैं, उसके बाद सज्जन कुमार को बरी किया गया है? देखिए, ये जो जजमेंट है बहुत ही निराशाजनक है और बहुत दुख हुआ है हमें इस जजमेंट को देख करके कि जो मेन दोषी था उसको बरी कर दिया गया। और मैं कह सकता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी जो सिखों के कत्लेआम के लिए जिम्मेवार है, वो अपने असली मंसूबे जो जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और एचकेएल भगत को बचाने में 29 साल के लगी हुई है, आज कांग्रेस पार्टी उसमें कामयाब हुई है। इसलिए हमें कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेट किया था वो ऑलरेडी केंद्र सरकार के अधीन में है। जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई थी तो उसी टाइम जो होम मिनिस्ट्री का एक्शन टेकन रिपोर्ट में कहा गया था कि किसी एक्शन की जरूरत नहीं है, जब उसी टाइम होम मिनिस्ट्री की ये जजमेंट थी, तो आज ये जजमेंट इस तरीके से आ रही है तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सभी देशवासियों को मालूम है कि इनको बचाने के लिए कभी इनको एमपी बनाया जाता है, कभी मिनिस्टर बनाया जाता है, कभी और सेंटर में पोजीशन दी जाती है, कभी इनकी जो प्रोसिक्यूशन की परमिशन है वो रोकी जाती है। हर कदम के इनकी सहायता जो है वो केंद्र सरकार करती है, इसलिए ये बरी हुए। लेकिन ये जगदीश टाइटलर के मामले में तो उल्टा हुआ, वहां तो सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट चाहती थी जिसके लिए कोर्ट ने मना कर दिया था। आगे देखिए उस केस का भी जब फाइनल कंक्लूजन होता है तो क्या होता है। अभी तक 29 साल का समय है, ये बेईमानी कांग्रेस पार्टी की हर पांव पे नजर आती है, इसलिए आगे देखना आप उसमें भी क्या होता है। जी चीमा साहब, हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस पार्टी से जो नेता हैं वो जुड़े नहीं हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ पंकज शर्मा जुड़ेंगे, उनसे मैं आपके सवाल का जवाब जरूर जानूंगी, लेकिन हमारे साथ सज्जन कुमार जी के वकील अनिल शर्मा जी मौजूद हैं। अनिल शर्मा जी, भले ही आज सज्जन कुमार को बरी कर दिया हो कड़कड़डूमा कोर्ट ने, लेकिन आप सुन रहे थे चीमा साहब को, और वैसे भी जो दंगा पीड़ित हैं उनके मन में गुस्सा है, वो खुश नहीं है इस फैसले से। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। एक कानूनी एक तरीका है, उस तरीके को अपनाया गया है। यहाँ तो ये पॉइंट आउट करें कि कोर्ट ने कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था, या प्रॉपर प्रोसीजर नहीं अपनाया गया, या जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है वो अडॉप्ट नहीं किया गया। एक तरीका, किस पे भरोसा करते हो? जब न्यायालय पे भरोसा करते हो तो न्यायालय के सामने जो गवाह कह रहे हैं, जो एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के ऊपर फैसला होगा या इनके नारों के ऊपर फैसला होगा? मैं हैरान हूं कि कानूनी प्रोसीजर को ये ग्रांटेड कैसे ले लेते हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस और जो जांच की एजेंसियां थी वो कांग्रेस के प्रभाव में थी, कानून ने एक इसलिए केस कमजोर बनाया। मैं कोई प्रभाव में नहीं थी, कोई प्रभाव में नहीं थी। इन्होंने खुद अपनी स्टेटमेंटें दी, 84 का केस है, 84 में स्टेटमेंट दी, 85 में स्टेटमेंट दी, उसके बाद इन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमीशन के सामने एफिडेविट दिए, वो एफिडेविट इन्होंने खुद दिए बनवा के, लीगल कंसल्टेंसी के अंदर दिए हैं, उसके बाद इन्होंने दोबारा रॉयट सेल में गए हैं, रॉयट सेल के बाद ये दोबारा सीबीआई में गए हैं। जो बात इन्होंने सीबीआई में कही है उस बात पे तो स्टैंड करेंगे, अगर जो सीबीआई में बात कही है उस बात पे भी स्टैंड नहीं करते हैं। लेकिन अनिल शर्मा जी, एक चीज की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी सर, एक चीज की ओर, आप भी मानेंगे कि सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, दो चार्जशीट फाइल हुई थी 2010 में, अगर मेरी जानकारी ठीक है, सज्जन कुमार जी के खिलाफ,
और अपने जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे उसमें सीबीआई ने ये बात मानी है। उन्होंने कहा है कि जो षड्यंत्र हुआ था, षड्यंत्र दिखता है, सीबीआई ने ये कहा है, सज्जन कुमार और पुलिस के बीच दंगों के दौरान, और सीबीआई ने उसमें कहा है कि टेरिफाइंग प्रपोर्शन का षड्यंत्र। तो सीबीआई इस बात को मान रही है, और हमें यह भी देखना होगा कि आज 6 पुलिस वालों ने पक्ष में सज्जन कुमार की गवाही दी है, कैसे इसको देखें, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं 84 दंगा पीड़ितों के वकील एचएस फुल्का साहब। इसके साथ ही इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी की नेता उनिका मेहरोत्रा भी जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है। फुल्का साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज जो कोर्ट का फैसला आया है, सभी साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे गए थे, यहां तक कि सीबीआई के जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे जिसमें ये कहा गया कि हां, षड्यंत्र था सज्जन कुमार और दिल्ली पुलिस के बीच दंगों के दौरान, वो बात भी रखी गई। बावजूद उसके अगर सज्जन कुमार बरी हुए हैं तो आप लोग खुश क्यों नहीं है इस फैसले से? आपको क्यों लगता है कि इंसाफ नहीं मिला? देखिए, मुझे ये जजमेंट देख के 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जहीरा शेख के केस में कहा है वो याद आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लॉज आर लाइक कॉब वेब्स विच मे कैच स्मॉल फ्लाइज, व्हाट लेट द वास्प्स एंड हॉर्नेट्स ब्रेक थ्रू। मतलब कानून एक मकड़ी के छत्ते की तरह है जो के जो छोटी छोटी जो मक्खियां हैं उनको तो पकड़ देता है, मगर जो बड़े बड़े बूंद है वो वहां से छूट के निकल जाते हैं। यही बात आज हुई है। बल्कि ये बड़े अफसोस की बात है कि कोर्ट ने यही आई विटनेसेस को बिलीव किया और 5 लोगों को सजा दी, मगर जब वही आई विटनेसेस को 6वां जो सज्जन कुमार की बारी आई तो उनको बिलीव नहीं किया। और जो ये सीबीआई की पूरी इंक्वायरी थी, जो सीबीआई ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह सज्जन कुमार को बचाने के लिए अपने अपने रिकॉर्ड को फोर्ज किया, वहां से जो पेपर थे, इंपॉर्टेंट पेपर जगदीश कौर की एफआईआर वगैरह वही गायब कर दिए, उस बात को इग्नोर किया। 6 पुलिस अफसर इसमें दिल्ली पुलिस के सज्जन कुमार के हक में गवाही देने के लिए आए और उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार तो उस इलाके में आया ही नहीं, और ये बात तो कोर्ट ने उनकी मान ली। मगर दूसरी तरफ से जब जो सीबीआई ने आके कोर्ट को दिखाया कि दिल्ली पुलिस का रोल, ये रोज नाम चाह 5 दिन का ये शो कर रहा है कि यहां पे तो कोई हिंसा ही नहीं हुई, और जैसे दिल्ली पुलिस इसमें अक्यूज्ड है, खुद मुलजिम है, ये सारी की सारी बातें कोर्ट ने इग्नोर की। और ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की 2006 वाली जजमेंट के, ये तो छोटी छोटी मक्खियों को पकड़ लिया और जो बड़े बड़े बूंद है वो छूट के निकल गए, वो बिल्कुल वही बात यहाँ पे याद आ रही है। और यही मैं अगर कहूं कि ये सरकार और ये दिल्ली पुलिस सज्जन कुमार को बचाने के लिए 1992 में एक चार्जशीट सज्जन कुमार के खिलाफ तैयार करके रखी, आज तक कोर्ट में फाइल नहीं की। इस तरह से अगर ये सरकार कोर्ट को, जो सज्जन कुमार को ओपनली बचाएगी, तो ये सारी बातें कोर्ट को ध्यान में रख के फैसला देना चाहिए था। मगर ये बहुत ही अफसोस की बात है कि ये कोर्ट ने एक नॉर्मल केस को ट्रीट करके, जी फुल्का साहब आपने एक अहम बात कही, आपने ये कहा कि सरकार और दिल्ली पुलिस की मदद से जो मुख्य आपकी नजर में जो आरोपी हैं वो बच निकल रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की नेता उनिका मेहरोत्रा भी मौजूद हैं। उनिका जी, ये सवाल लगातार उठ रहा है, ये बात अकाली दल के चीमा साहब भी उठा रहे थे और फुल्का साहब जो लड़ रहे हैं दंगा पीड़ितों का केस, उनका भी ये कहना है कि ये सरकार और दिल्ली पुलिस इस तरह से इस परिस्थिति को सामने रख रही है कि जो मुख्य आरोपी हैं वो बच रहे हैं, और यही इस केस में भी हुआ है। देखिए, बात यहाँ अकाली और इनके लॉयर की बात नहीं है, बात यह है कि कोर्ट के आगे बात रखी गई है। लॉ सबके लिए बराबर है, जो फैसला आया हाई कोर्ट का वो माननीय, हम सबको ये अपील करना चाहते हैं, ये हक बनता है, अपील करें। रहा कांग्रेस पार्टी का सवाल, कांग्रेस पार्टी इस दंगों के मामले में हमेशा संवेदनशील रही है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद में माफी मांगी है, अब सबूत जो कहते हैं उसके हिसाब से कोर्ट वर्डिक्ट देती है। उनिका जी, सबूत की आपने बात की, वही फुल्का साहब कह रहे हैं कि वो साक्ष्य, वो गवाह, उनके बिना पर 5 लोगों का दोष जो है वो तो सिद्ध हो जाता है, लेकिन इसमें सज्जन कुमार बरी हो जाते हैं। देखिए, इसमें जो ये कह रहे हैं सर कि बड़ी मछली छोटी मछली, ये गलत है। कानून के बारे में अगर हम ये बात कहें तो उसका मतलब कानून में विश्वास किसी को रहा नहीं। कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक देखिए, यहाँ पर आपकी आपत्ति
ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। एक तरफ तो कांग्रेस की नेता कह रही है कि प्रधानमंत्री ने एक तरफ तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और दूसरी तरफ एक के बाद एक लोग बरी होते हैं। आखिर 3000 एक ही कम्युनिटी के एक ही समुदाय के लोगों की हत्या की जाती है दिन दहाड़े, और कई दिन वो पूरा माजरा चलता है। एक दिन एक घंटे में नहीं हो गया, वो कई दिन तक 1 नवंबर को 2 नवंबर को हत्याएं होती है सरेआम खुलेआम। वीरेंद्र जी माफी चाहते हैं, और उसके बाद बीच में आपको कांग्रेस के रिजिम में इस तरह के लोगों को कभी भी सजा नहीं मिलेगी ऐसा लग रहा है। लोग निराश हो रहे हैं। आखिर जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, 29 साल हो गए, 29 साल के बाद सबूत मिटना शुरू हो जाते हैं, ये संवेदनाएं सरकार की कहां चली गई? बीजेपी ने आज कांग्रेस के रिजिम में हमें उम्मीद नहीं है। और उस समय भी कांग्रेस का राज था, जब जब कांग्रेस के लोगों ने प्रशासन ने जिस तरह की लापरवाही बरती, अगर उस समय सही तरह से दंगों पर काबू करने की कोशिश की जाती, प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता और सरकार की इंटेंशन मेलाफाई नहीं होती, तो ये कत्लेआम रोका जा सकता था। दंगाई बचकर नहीं निकलते, उनको सजा मिलती, लेकिन सरकार खुद इन दंगों को प्रायोजित कर रही थी, लोगों को बरगा रही थी, नेता लोगों को मार रहे थे। और ये शर्म आनी चाहिए इस चीज को पॉलिटिकल बनाने के लिए। हमने हमेशा ये कहा है कि जो गुनहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने गुजरात में क्या किया, ये बातें लाने बीच में आगे टाइम बीजेपी का तो मुखौटा है, हमेशा इन्होंने दोगली राजनीति की है। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई, सस्पेंड लीजिए। अभी टाइटलर साहब के मामले में उसी बात का जवाब दे रही हूं। सीबीआई की भूमिका पर जो बात सामने आई, ठीक है, बोलते रहेंगे। बीजेपी का काम यही है, सदन में भी हल्ला मचा रहे हैं। क्यों सीबीआई? अरे सर, फुल्का जी ने कम बोली और सुनिए। 1992 में जब चार्जशीट तैयार कर ली गई, तो फिर सरकार ने उसको आगे क्यों नहीं किया? चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं। उन्हीं का जी, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? ये विजय वीरेंद्र जी, ये जो बातें बोली हैं, ये खुद ही जवाब है अपने। ये बात राजनीतिक नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा आपको। नहीं नहीं, 3000 लोगों की हत्या बोले देंगे आप? और इस तरह कैसे बोले देंगे? बिल्कुल आप चिल्लाएंगे, मौजूद है। नहीं, राजनीति इस पे नहीं कर रहे हैं। सारे छुप जाते हैं बीजेपी। मैं करूंगी मैं आपसे, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए मैं फिर आपके पास आऊंगी। सर हमको ब्रेक लेना पड़ेगा, अगर इसी तरह ये चर्चा डाइवर्ट होगी हमें मजबूरन ब्रेक लेना पड़ेगा। जी ओनिका जी, संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया। कांग्रेस के नेता गायब कहां है? देखिए अब बोलते चले जा रहे हैं, इनके अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। ऐसी सारे सब आप बोलने देंगे आप मुझे? 7 MP आपको में खुद 7 मिनिस्टर है, कहां है विजेंद्र जी, आप सुन लीजिए उन्हें। आप इतने सवाल पूछेंगे, उन्हें जवाब देने का मौका तो दीजिए। सर जी बोलिए मैम। बीजेपी खुद, अगर ये 84 के राइट्स को बीजेपी ने हमेशा चुनाव के टाइम में उठाया, कभी कोशिश नहीं की। अगर इंसाफ इनका भी दायित्व बनता था, एक बात। दूसरी बात, गुजरात के अगर दंगे इनको याद दिलवाऊं, हमारे प्रधानमंत्री हों चाहे कोई भी, उन्होंने माफ़ी मांगी कि बहुत ही शर्मिंदगी की घटना थी। लेकिन गुजरात के मोदी के बारे में जब ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब इनको गोदरा याद नहीं आता? केंद्र में ऊंची ऊंची आवाज में यहाँ चिल्ला रहे हैं, मुद्दे में नहीं आने की बात। चलिए मान ली आपकी बात कि बीजेपी इस पे राजनीति कर सकती है, लेकिन यहाँ सिर्फ सवाल बीजेपी का नहीं है, यहाँ पे जो दंगा पीड़ित परिवार हैं उनमें गुस्सा है, वो इस फैसले से खुश नहीं है। उन्हें कहा जी, बहुत देर से फुल्का साहब कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें सुन लेते हैं मैम, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जी फुल्का साहब, देखिए दो बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो, अगर इसी तरह से 6 पुलिस अफसर गुजरात के केसों में किसी मुलजिम के हक में आके पेश हुए थे, तो देखना था कांग्रेस ने क्या खाट खड़ी करनी थी और क्या क्या कुछ करना था। जो ये हो रहा है पहली बात। दूसरी बात, ये 21 साल से चार्जशीट जो सज्जन कुमार के खिलाफ जो पुलिस अफसर ने दवाई है, ये उसको प्रमोशन देके डीसीपी बना के उसको प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में रखा गया है। ठीक नहीं, अगर यही कुछ गुजरात में हुआ होता तो आज तक नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बात बर्खास्त कर देना। आप कुछ अहम बातें उठा रहे हैं, अभी आपसे मुखातिब है अनिल शर्मा साहब जो कि सज्जन कुमार के वकील हैं। जी अनिल शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा कहना है कि 84 से ये केस लड़ रहे हैं और 84 से मैं केस लड़ रहा हूं। इनको जब वकील बात करते हैं तो वकीलों वाली बात करें, पॉलिटिकल पार्टी बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी बात करें। इस समय फुल्का साहब कहने ये आए हैं, यहां तो बताएं कि उसका जो न्याय हुआ है, जो जजमेंट हुई है, उसमें गलती क्या है? अगर गलती है तो रेमिडियल मेजर्स आपके पास हैं,
उसके अंदर 3,000, 5,000, 6,000 करने की बात नहीं, सब्जेक्ट मैटर पे आइए। जी चीमा साहब, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी सर, आज जो सुझाव सुषमा स्वराज ने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी का गठन करे इस मामले में, आपको लगता है उससे कम से कम जांच प्रक्रिया की तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल ठीक है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि तभी कोई आस जाग सकती है इंसाफ की जब कोई ऐसा कदम लिया जाए, क्योंकि आज तक जो सीबीआई का रिकॉर्ड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्ट्री है, उससे हमें कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर करके सारे केस को खुद सुपरवाइज करे तो कोई ना कोई इंसाफ की आस हम कर सकते हैं। जी ओनिका जी, आपसे जानना चाहूंगी जो बात यहाँ पर चीमा साहब ने कही, भरोसा नहीं है अब केंद्र की सरकार पर, आपकी सरकार पर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड एसआईटी होगी तो बेहतर होंगे हालात? ओनिका जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, आवाज आ रही है जी। आपसे मेरा सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बनता है इस मामले की, इस दंगे की जांच के लिए, तो वो एक बेहतर विकल्प होगा? नहीं देखिए, इसमें कभी भी पार्टी कतराई नहीं है, पीछे हटी नहीं है। जो न्याय प्रक्रिया है, अगर इंसाफ दिलाने की बात है तो मैंने पहले भी कहा कोई लॉ से ऊपर नहीं है, अपील करें, बनाएं, गठन करें। ये एलिगेशंस हैं, हाई कोर्ट ने ये उनको बरी किया है, वो आगे अपील भी कर सकते हैं, इसमें किसी के बारे में कोई रोक नहीं सकता इस बारे में। लेकिन सबूतों के आधार पे ये निर्णय आया है, हम हाई कोर्ट का निर्णय मानते हैं, लेकिन अगर उनको अपील करना है मैं फिर कहती हूँ कि अपील कर सकते हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला है जी। अनिल शर्मा जी, मुसीबतें लेकिन शायद सज्जन कुमार की कम नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उनका ये कहना है इस मामले को वो आगे ले जाएंगे, चैलेंज करेंगे इसे फर्दर। उनका राइट है, वो चैलेंज करें, लेकिन प्रश्न है कि उसमें गलत क्या है ये बतलाएं। इनको पता है कि 2000 तक उनका नाम नहीं था, उससे पहले इनको पता है गवाहों की स्टेटमेंट कितनी आ चुकी, 8-8 स्टेटमेंट दी हैं, कहीं पर सज्जन कुमार का नाम नहीं है। एकदम अब्रप्टली एक दिन आप आते हो 2000 के अंदर स्टेटमेंट देते हो, 2002 के अंदर सज्जन का नाम लिया 2000 में, 2002 में मुकर गए कि हमने मीटिंग नहीं देखी, 2006 में तीसरा बयान, 2007 में पांचवां बयान, सातवां बयान। चलिए तो आप इतना तो मान रहे हैं कि आगे अगर अपील होती है तो ये अधिकार है और इसमें कोई बुराई नहीं है। विजेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया। उनका राइट है, फर्स्ट अपील है। नेहा जी उनका राइट है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सज्जन कुमार दोषी नहीं है तो 2009 में कांग्रेस ने उनको कैंडिडेट से पार्लियामेंट के इलेक्शन से विड्रॉ क्यों किया था, एक बात। दूसरा, 3000 लोगों की दिन दहाड़े मासूम लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो जाए और एक भी व्यक्ति को फांसी ना हो, एक भी दोषी को, एक भी व्यक्ति को, अगर डाक और प्रशासन जिस तरह का व्यवहार करे, ये साफ जाहिर है लोगों को तकलीफ होती है। कुल मिलाकर के आप मुद्दे बचाने की एक तरकीब है, साल बाद अगर आप ये अपेक्षा करें कि सबूत पूरे पुख्ता सामने आ जाएंगे, लेकिन और प्रशासन और सरकार बचाने की छह पुलिस वालों ने कैसे क्लीन चिट दे दी और उसकी कैंट थाने में योजनाओं के सज्जन कुमार बरी हुए हैं। लेकिन अभी और भी विकल्प हैं और बड़ा सवाल यही कि इंसाफ कब मिलेगा, यानी जो पीड़ित पक्ष है उसे लग रहा है कि उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसीलिए 29 साल से ये कहानी जो है ये जारी है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। मेरे